आज का टॉपिक है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यानी FMN। इसका पूरा नाम जो है फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड है, इसे राइबो फ्लेविन फॉस्फेट भी कहते हैं। ये विभिन्न विशिष्ट प्रोटीनों के साथ जुड़कर एंजाइम बनाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। इफ द फ्लेविन को एंजाइम अटैच्ड विथ मोनोन्यूक्लियोटाइड देन इट इज कॉल्ड FMN। यानी जो को एंजाइम है, फ्लेविन को एंजाइम है, अगर मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ता है तो इसे FMN यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये विटामिन B2 से प्रोड्यूस होता है, यानी इससे इसकी जो उत्पत्ति है वो विटामिन B2 से होती है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही, तो आइए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। यानी इसकी जो संरचना होती है एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है आपको ध्यान में रखनी है। ये जो बॉक्स में मैंने जो शो किया है ये राइबोफ्लेविन है। तो चलिए नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, जिसका नाम है FAD। यानी ये जो FAD है ये एक तरह का कोएंजाइम है। ये FAD, इसकी फुल फॉर्म जो है वो फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड एडिनिन है। फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड एडिनिन है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए। वेन को एंजाइम फ्लेविन अटैच विथ डाई न्यूक्लियोटाइड एंड एडिनिन दिस इज कॉल्ड FAD। यानी जो फ्लेविन होता है उसके साथ में डाई न्यूक्लियोटाइड एंड एडिनिन जब जुड़ जाता है तो इसे FAD कहते हैं, यानी फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड एडिनिन। पिछले वीडियो में हमने FMN के बारे में पढ़ा था, यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा था। अब जो FAD है, फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये एक तरह का कोएंजाइम है। ये जो कोएंजाइम है ये सेल एंड टिश्यू के अंदर पाया जाता है। जैसे दिस कोएंजाइम इज फाउंड फाउंड इन सेल एंड टिश्यू। यानी ये जो कोएंजाइम है ये कोशिकाओं तथा उत्तक के अंदर पाया जाता है। तो एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि FAD, FMN ये क्या होते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर जो है वो देखिए। ये जो मैंने बॉक्स के अंदर शो किया है ये राइबोफ्लेविन है। इसके साथ में जब एडिनिन जुड़ता है, एडिनिन एंड डाई न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तो इसे FAD कहते हैं। और इसको जब मैं हटा दूं इतनी स्ट्रक्चर को और इस ओ के साथ में एच लगा दूं तो ये FMN की स्ट्रक्चर बनेगी। यानी इतनी, अगर इसके साथ में ये मैं एच जोड़ दूं। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। यानी ये जो मैंने शो किया है बॉक्स के अंदर इसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये जब राइबोफ्लेविन यानी जो फ्लेविन है ये डाई न्यूक्लियोटाइड और एडिनिन से जुड़ता है तो इसे FAD कहते हैं। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो उसे FMN कहते हैं। और हम अब जो है बात कर रहे हैं FAD की, तो फ्लेविन के साथ में डाई न्यूक्लियोटाइड एंड एडिनिन जुड़ता है तो इसे इसे FAD कहते हैं। यानी फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड एडिनिन, नाम से पता चल रहा होगा आपको।